सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवन का जो लेसन नंबर दो है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कितनी परतों से मिलकर ये बनी हुई है, कौन कौन से खनिजों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला लेसन था पर्यावरण, उसके बारे में अपन ने पहले वीडियो में अपन ने उसका अध्ययन कर लिया है। आज दूसरा लेसन है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। देखो बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के जो अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, किन पदार्थों से ये बनी हुई है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक प्याज की तरह पृथ्वी की ऊपरी और सकेंद्रीय परतों से बनी हुई, जैसा कि आपने देख प्याज देखा होगा, उसकी तरह ही पृथ्वी के अंदर परतें जमी हुई है। जैसे आपने प्याज को छिलके के रूप में अपन उतारते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी की परतें जमी हुई है। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत है वो परपट्टी कहलाती है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर जो पाई जाती है वो परपट्टी नाम से जानी जाती है। यह सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपीय सहति में 35 किलोमीटर तक, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। महाद्वीपीय सहति मुख्य से सिलिका और एलुमिना जैसी खनिजों से बनी होती है। जो पहली परत जो है वो एलुमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सियल सिसिलिका भी कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। ये सब जगह प्रॉपर्टी जो ऊपर की जो परत है ये सब जगह अलग अलग खनिजों से बनी हुई होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, इसलिए इसे सीमे सिलिका या मैग्नीशियम भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो होता है वो मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल नाम की परत होती है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। कितनी गहराई तक? 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है मेंटल। इसकी सबसे आंतरिक परत कोण है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत है वो कोण है। आगे देखिए, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। काहे की बनी होती है? निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीपे और नी निकल और फेरस भी कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। जो यहाँ का जो तापमान है वो काफी उच्च रहता है। अब आगे देखिए, सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल के विभिन्न आकार और गठन भी हो सकता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की सेल होती है। पहली होती है आग्नेय, दूसरी है औषधि सेल, और तीसरी जो सेल है वो है कायांत्रित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर टॉस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो द्रवित जो मैग्मा है वो ठंडा होकर एक टॉस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। उसके बाद इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी
सेल, ये जो अग्नेय सेल है ये भी दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। क्या आप जानते हैं या आपने देखा होगा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लावा लाल द्रवित मैग्मा की मैग्मा ही लावा होता है। जो ज्वालामुखी से जो निकलता है गरम गरम लावा वो द्रवित मैग्मा का लावा ही होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर टॉस बन क्या बन जाता है वो टॉस बन जाता है। प्रपटी के इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आगने सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट जो वो सेल बनती है होती है बेसाल्ट, ढक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना होता है। जो ढक्कन का पठार का आपने नाम सुना होगा वो बेसाल्ट सेल से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने टॉस सेलों को अंतर्वेदी आगने सेल भी कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है। जो ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट का आपने नाम सुना होगा, ये एक ऐसे ही सेल का उदाहरण है। आगे देखिए, अब सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर और इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्रों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, चिबड्डी स्टापू किट के लिए, पांच पत्थर गिट्टी के लिए, आपने ये सब पत्रों के नाम सुने होंगे। अब आगे देखिए, देखिए आगे आपको निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार के सेल चक्रीय एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की जो ये प्रक्रिया है इसी को ही सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर टॉस आगने सेल बन जाता है। यह आगने सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण आगने और अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाती है। ताप और दाब के कारण जो आगने और अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा का बन जाती है। द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर टॉस आगने सेल में परिवर्तित हो जाता है। यही ये बदलने की जो चक्र है इसी को ही सेल चक्र कहा जाता है। सेल के विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण से होता है। खनिज मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ उपयोगी ईंधन होते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक बनाने में जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि बनाने में किया जाता है। तो आज हमने पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का अंदर जो परतें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ और सेल चक्र कैसे बनता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी जो खान है, जो सबसे बड़ी जो गहरी खान है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई जो पृथ्वी में है वो 4 किलोमीटर की है।
लगभग तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तेल की खोज करने के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, हम पृथ्वी कितने अंदर तक है, क्या है, इसका पता लगाना असंभव है। आपको समुद्र की सतह 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जब जाके हम इसका थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। तो आज हमने पृथ्वी के अंदर क्या है, कितनी परतों से बनी हुई है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आप घर पे इसका होमवर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।